नमस्कार, आप सभी को आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो स्वागत करते हैं हम आप लोगों का अपने भारत किचन में। तो आज हम अपने किचन में बनाएंगे चिकन लॉलीपॉप, और मात्र 4 स्टेप में। हम इस 4 स्टेप्स को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप बहुत ही आसानी से जो है चिकन लॉलीपॉप बना पाएंगे अपने घर पे, बिल्कुल मार्केट से भी अच्छे टेस्ट में आप अपने घर पे बना पाएंगे। तो चले बनाना शुरू करते हैं चिकन लॉलीपॉप। एक बार दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, ताकि हमारा परिवार जो है और बड़ा हो पाए और हम आप लोगों के लिए ढेर सारी रेसिपीज लेके आए। और आपको किसी भी रेसिपीज की रिक्वायर हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, और हम उस रेसिपी हम उस कमेंट पे जो है आप लोगों के लिए जरूर से जरूर उस रेसिपी को लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम स्टेप नंबर फर्स्ट की अगर बात कर ले, हम मैंने आपको 4 स्टेप बताया है, तो ये पहला स्टेप है। तो सबसे पहले हम यहाँ चिकन ले लिए हैं, लगभग 300 से 400 के आसपास चिकन ले लिए हैं, और हम खुद से ही जो है चिकन वाले के यहाँ से चिकन ला के इस तरह खुद से ही लेग पीस टाइप का जो है ये लेग पीस सब सारा है, और कुछ कुछ ये पंख वाला पीस जो होता है वो है, इसको हम खुद से ही जो है लॉलीपॉप के आकार में बना लिए हैं। ठीक है, आप भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं बिल्कुल। और मसाले की अगर हम बात करें मैरिनेशन के लिए, सबसे पहले तो हमें मैरिनेशन के लिए रखना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ ब्लैक पेपर ले लिए हैं 1/2 चम्मच, सोया सॉस ले लिए है लगभग 1/2 चम्मच, नमक ले लिए है स्वाद अनुसार, और अदरक लहसुन और मिर्च का जो है हम पेस्ट ले लिए है। यहाँ पे लहसुन लगभग 8 से 10 कली ले लिए हैं, अदरक और 2 से 3 मिर्च ले लिए हैं, और यहाँ पे ले लिए हम लाल मिर्च का पाउडर, तीखा वाला है, और आप चाहे तो कम तीखा वाला भी इस्तेमाल। सबसे पहले जो है हम मैरिनेशन इस अब चिकन का कर लेते हैं। अब इसमें जो है हम आराम आराम से इस सोया सॉस को जो है लगभग 1/2 चम्मच के हिसाब से जो है हम इसको इस तरह से हम इसमें डाल देते हैं। लाल मिर्च का पाउडर 1/2 चम्मच ले लिए हैं, और लहसुन अदरक और ये पेस्ट जो है इसको भी हम मिला लेते हैं, इसमें थोड़ा हम रख देते हैं, और ये है ब्लैक पेपर, इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, और नमक स्वाद अनुसार। चलिए अब हम इसको बढ़िया से जो है मिक्स कर लेते हैं अपने हाथ से ही, और इसको मिक्स करने के बाद लगभग हमको जो है 30 मिनट आधे घंटे के लिए जो है इसे रेस्ट देना पड़ेगा। आप चाहे तो फ्रिज में रखें या फिर आप बाहर में ही रख के आप इसे रेस्ट दे सकते हैं। आधे घंटे के बाद जो है हम इसे हम रेस्ट निकालेंगे, और तब तक ये चिकन जो है बहुत ही अच्छी तरीके से मसाला को जो है अपने अंदर जो है एब्जॉर्ब कर चुका होगा। तो अब इसे हम 30 मिनट्स के लिए जो है रेस्ट पर डाल देते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने स्टेप नंबर 2 में। ठीक है दोस्तों, इसमें मेजरमेंट को काफ़ी ध्यान में रखते हुए आगे का काम करना है हमें। तो हम यहाँ पे ले लिए हैं कॉर्न फ्लोर, ठीक है, आरारोट पाउडर 1/2 कटोरा ले लिए हैं लगभग, और ले लिए हैं मैदा, मैदा लगभग हम 1 कटोरा ले लिए हैं। अगर हम वजन में अगर बात करें हम तो लगभग 100 ग्राम के आसपास मैदा है, और 50 ग्राम के आसपास जो है कॉर्न फ्लोर है। ठीक है, अब नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार, और लाल मिर्च हम लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं चिकन में नमक और लाल मिर्च, तो हम हिसाब से ही इस बार जो है इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए हम इसका एक बैटर बना लेते हैं। सबसे पहले इसे हम डाल देते हैं इसमें, नमक हम थोड़ा ही लेंगे क्योंकि हम चिकन में भी जो है मैरिनेशन में जो है नमक का इस्तेमाल किया है, तो हम ज़्यादा नमक नहीं लेंगे, और थोड़ा सा हम लाल मिर्च पाउडर इसमें लेंगे। तो अब हम इसे जो है हल्का हल्का पानी डाल के जो है इसे हम धीरे 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 करके इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, इसमें लम्स बिल्कुल भी ना रहे, और आप हल्का हल्का पानी मिला के इसे मिक्स करें। इकट्ठा एक बार में पानी अगर आप ज़्यादा डाल लेंगे तो ये गीला हो सकता है, तो जिसके वजह से परेशानी बढ़ जाएगी। तो हम थोड़ा थोड़ा इसमें जो है पानी मिला के हम इसे एक बैटर बना लेंगे इसका। तो दोस्तों आपको बिल्कुल ऐसे ही थिकनेस रखनी है इसकी, इसे ज़्यादा पतला ना करें। अब पतला करने पे कोटिंग बढ़िया से नहीं हो पाएगा, और मोटा अगर आप कर देंगे तो भी ज़्यादा मोटा कवर चढ़ जाएगा चिकन पे। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी आप देख ले, बिल्कुल ऐसे ही आपको कंसिस्टेंसी रखना है। और चिकन जो मैंने मैरिनेशन पे 30 मिनट्स के लिए दिया था, तो 30 मिनट्स पूरे हो चुके हैं। तो अब हम जो है अपने तीसरे स्टेप पे चलते हैं। तो दोस्तों अब हम आ जाते हैं स्टेप नंबर 3 पे। ठीक,
ठीक है। और हम इसे बहुत ही ध्यान से और केयरफुल होके हम अब हमें जो है चिकन को जो है फ्राई करना पड़ेगा। अब मैंने इसमें चिकन के कुछ पीसेस जो है इस तरह से डिप कर लिया है इसमें, ठीक है, बैटर जो बनाया था मैंने अभी। अब चले हम जो है इस बैटर को जो है अब इसे हम धीरे 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 करके जो है इसमें, तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें फ्राई कर लेते हैं। और गैस की आंच जो है आपको मीडियम टू लो रखना है, ठीक है। आप इस चीज़ का खास करके ध्यान दें, हाई बिल्कुल भी ना रखें। हाई अगर रखेंगे तो आप चिकन बाहर से पक जाएगा, अंदर से पकेगा ही नहीं, इसलिए आपको जो है मीडियम टू लो रखना जो है फ्लेम को गैस का। तो दोस्तों हमारी चिकन लॉलीपॉप जो है ये लगभग जो है फ्राई हो चुकी है, और इसे आपको जो है गोल्डन ब्राउन होने तक जो है आपको इसे अच्छी से लाल करना है, मतलब फ्राई करना है। अब इसे हम जो है इसमें निकाल लेते हैं। देखिए आप देख सकते हैं अभी से ही कितनी यम्मी लग रही है, अच्छे से फ्राई कर लिया है लॉलीपॉप, बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी और क्रंची बना है। हम इसे सॉस में डालेंगे तो ये मुलायम, हल्की सी मुलायम हो जाएगी और बहुत ही अच्छे से फ्लेवर देने वाली है। तो अब हम आ जाते हैं अपने चौथे स्टेप पे, जो हमारा आखिरी स्टेप है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको जो है सॉस बनाना पड़ेगा। ये सॉस हम कढ़ाई में भी बना सकते थे, लेकिन हम जो है पहले ही सॉस बना के रख लेते हैं, क्योंकि कढ़ाई में जलने का जो है थोड़ा सा ज़्यादा ये चांसेस रहता है, तो पहले ही हम सॉस बना के उसे रख लेते हैं। तो लगभग 2 चम्मच के आसपास टमेटो केचप मैंने लिया है, ठीक है, और 1 चम्मच के आसपास जो है मैंने ले लिया है, और इसे मिक्स कर देते हैं। और थोड़ा सा जो है लाल मिर्च भी ले लेते हैं हम, इसमें मिक्स कर देते हैं बढ़िया से, ठीक है। और मैंने सेजवान केचप लिया है, तो छोटा पाउच ही मैंने लिया है, तो इसे कटिंग करके हम इसे मिला देते हैं। एक पैकेट हमको लगता है कि एक पैकेट काफ़ी होगा, तो एक पैकेट ये मिक्स करते हैं, ठीक है, एक पैकेट बचा रह गया। तो इसमें हम डाले हैं 2 चम्मच टमेटो सॉस डाले हैं, 1 चम्मच सोया सॉस डाले हैं, और थोड़ा मिर्ची बचा हुआ था, और सेजवान सॉस, ये सब डाल के जो है हम इसका चटनी बना लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं इसे हम। अब आ जाते हैं हम फाइनल प्रोसेस पे, तो अब हम आगे चलते हैं। और थोड़ा सा लहसुन भी काट के ले लिए हम, इस तरह से बारीक काट के हम लहसुन ले लिए हैं। तो दोस्तों मैंने जिस कढ़ाई में चिकन को फ्राई किया था उसी कढ़ाई में मैंने तेल को निकाल लिया है, और लगभग 2 से 3 टेबल स्पून मैंने तेल इसमें रहने दिया है। अब हम इसी में जो है आगे का प्रोसेस करेंगे, चिकन लॉलीपॉप हम इसी में बनाने वाले। जो तेल बच गया है वो तेल आप किसी भी सब्जी में या किसी भी किसी भी आइटम को बनाने में जो है वो तेल इस्तेमाल कर सकते हैं आप, तो दिक्कत नहीं है उससे। अब हम इसमें लहसुन डाल देते हैं, लहसुन को थोड़ा सा जो है हम ब्राउन करने तक जो है इसको फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसमें जो चटनी बना के रखे थे वो चटनी हम इसमें ऐड कर देते हैं। आप गैस के आंच को थोड़ा कम ही रखें, और थोड़ा इसमें पानी जो है थोड़ा मिक्स कर दें। और अगर नमक की आवश्यकता हो तो आप इसमें नमक भी अपने स्वाद के अनुसार जो है आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैरिनेशन में भी नमक डाले थे और बैटर में भी नमक डाले थे, तो आप अपने अनुसार नमक आप एडजस्ट करके इसमें डाल सकते हैं। तो एक ग्रेवी को थोड़ा सा उबलने के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद हम अपना सारा जो है चिकन जो है मिक्स कर, देखिए उबाल आ गया है। अब हम इसे जो है एक एक करके जो है इसमें मिक्स कर देते हैं। दोस्तों मेरे द्वारा बताए गए अगर आप 4 स्टेप्स को
बिल्कुल, मैंने जो बताया वैसा अगर आप फॉलो करेंगे तो सच में दोस्तों आप जो बाज़ार में चिकन लॉलीपॉप खाए हैं उससे कई गुना ज़्यादा आपको स्वादिष्ट और हेल्दी चिकन लॉलीपॉप बहुत ही आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। और वैसे लोग भी चिकन लॉलीपॉप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं जिसने कभी भी ट्राई ना किया हो, मतलब बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों मेरी रेसिपी कैसी लगी आप इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं और घर में ज़रूर आप ट्राई करें और हमें बताएं कि आपकी चिकन लॉलीपॉप रेसिपी बिल्कुल बाज़ार से भी अच्छे स्वादिष्ट बनी या नहीं। दोस्तों कमेंट, आपके हर एक कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है, तो कमेंट आप ज़रूर करें और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों आप। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। देखिए लगभग हो गया है ये, अब ये सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है दोस्तों।